हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टैग, जिसमें हम आपको कराते हैं खबरों से रूबरू, क्या क्या नई नई खबरें आई हैं और आपके लिए क्या बेस्ट प्लान आए हैं, टेलीकॉम कंपनी आपको क्या दे रही है और नए नए मोबाइल फोन जो लॉन्च हो रहे हैं जो आपके लिए कौन से बेस्ट हैं। जैसे जाहिर तौर पर मैं बताऊँ, हमने नया स्टार्ट किया है और आप हमें जैसा रिस्पॉन्स देंगे हम आपके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तक हम प्रोग्राम करते थे टेलीकॉम के ऊपर, जो आपकी समस्याएं होती थी, कौन कौन सी कंपनियां आपके लिए प्लान लेकर आई हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। और ये मोबाइल के लिए हम आपने आपके लिए नया स्टार्ट किया है और आप हमें बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, तभी हम आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए आपको बताएंगे कि नए नए फ़ोन जो आ रहे हैं वो आपके लिए कौन से बेस्ट हैं, कौन से आपको बेस्ट प्राइस पर मिल रहे हैं, किस में आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, किस में आपको नहीं मिल रही, कौन सा सस्ता फ़ोन मिल रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा महंगा है और आप के लिए वो कितना सस्ता आपको पड़ रहा है। जी हाँ, तो सबसे पहले आज साल का लास्ट दिन, सबसे पहले मैं आपको दूंगा नए साल की मुबारकबाद और आज साल का आखिरी दिन, जिसमें हमें आप बताना ज़रूरी हो गया है कि साल में कितने फ़ोन निकले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, साल में कितने फ़ोन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बिके, साल में कौन से फ़ोन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा महंगे रहे। जी हाँ, ये हमारा प्रोग्राम आज के इसी पर डिपेंड करता है कि, और मैं आपको बताऊंगा वो सभी लिस्ट के कौन कौन से फ़ोन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से फ़ोन सबसे ज़्यादा बिके। तो तैयार हो जाइए, अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ोन बिके तो आपकी नज़रों में कौन से वो फ़ोन होंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन से ऐसे मोबाइल फ़ोन है जो आपने सबसे ज़्यादा खरीदे तो आपकी नज़रों में कौन से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मोस्ट पॉपुलर फ़ोन जो कि साल 2018 के सबसे ज़्यादा महंगे फ़ोन रहे और जो सबसे ज़्यादा हाई रेंज के रहे, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले नाम आता है आईफोन एक्सएस मैक्स का, जी हाँ, जो 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा कीमत का है। जी हाँ, उसके बाद नंबर आता है हुआवे मेट 20 प्रो का, जिसकी कीमत तकरीबन 70,000 है। ये फ़ोन मैं वो फ़ोन बता रहा हूँ जो महंगे होने के साथ थोड़े पॉपुलर भी थे। अब नंबर आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का, जो कि 60,800 रुपये की कीमत जिसकी रही। उसके बाद नंबर आता है गूगल पिक्सल 3 XL का, जिसकी कीमत तकरीबन 74,999 रुपये रही। उसके बाद नंबर आता है एप्पल के आईफोन XS का, जिसकी कीमत तकरीबन 94,000 रुपये रही। जी हाँ, ये 1,00,000 रुपये तक फ़ोन पहुंच जाते हैं और आप और लोगों को ज़ाहिर तौर पे बहुत पसंद भी आते हैं। इसके बाद नंबर आता है वन प्लस 6T का, जो कि तकरीबन 38,000 रुपये का है। वन प्लस के फ़ोनों की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि गेमिंग के मामले में ये फ़ोन सबसे अव्वल रह चुके हैं और लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि वन प्लस फ़ोन के कंपेयर अच्छे अच्छे फ़ोनों से करते हैं, क्योंकि इसके प्रोसेसर होता है, इसके जो सभी फ़ीचर्स हैं वो बहुत ही लाजवाब है। और अगर मैं और फ़ोन की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस है, जो करीब 51,000 रुपये का है। इसके बाद एप्पल के आईफोन 10 की अगर मैं बात करूं जो करीब 75,000 का, और उसके बाद अगर मैं बात करूं हुआवे P20 प्रो की, जी हाँ, जो अभी मैंने अभी आपको बताया कि हुआवे मेट 20 प्रो था और ये हुआवे P20 प्रो है, जिसकी कीमत करीब 55,000 रुपये है। और अगर मैं बात करूं वीवो नेक्स की, वो करीब 43,000 रुपये। ये सभी फ़ोन वो रहे जो इस साल के टॉप मोबाइल फ़ोन रहे, यानी कि इस साल के जो 10 मोबाइल आप कह लीजिए जो सभी लॉन्च हुए, अच्छी कीमत पर लॉन्च हुए, जो ज़्यादा चले। और अगर मैं अब आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन जो कि थे, सस्ते थे और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहने वाले फ़ोन, जिसमें सबसे ज़्यादा, ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट की, उसने सेल, उस ई कॉमर्स कंपनी ने सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो दी है जो पॉपुलर फ़ोन रहे हैं, वो है शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो। जी हाँ, साल 2018 का शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो फ़ोन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन है। और इसके बाद रहा रेडमी 5A, हालांकि दोनों ही रहे, सबसे पहले अव्वल रहा है रेडमी नोट 5 प्रो और उसके बाद रेडमी रहा है। और अगर इसके बाद हम देखें तो वो रहा है ऑनर 9 लाइट। जी हाँ, ये फ़ोन आप देखेंगे तो ज़्यादा हाई बजट के भी नहीं है, बजट में फ़ोन है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन रहे हैं। और अगर अब मैं बात करूँ, अब अगर सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोनों की बात करूँ तो वो फ़ोन ये नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन
अगर बात करूं रियल मी टू को 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने खरीदा है। और उसके बाद नंबर आता है आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो का, जो कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने खरीदा है। और अगर इसके बाद मैं कुछ ऐसे अगर मैं कहूँ कि टोटल 1 मिलियन से ज़्यादा जो खरीदा है लोगों ने, तो मैं वो अगर लिस्ट आपको बताऊं कि कौन कौन सी कंपनियों के जो ज़्यादा रहे, टोटल 1 मिलियन जो बिके हैं फ़ोन, जो अच्छे खासे फ़ोन बिके हैं, और अलग अलग कंपनी है इसमें। अगर नंबर की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है आसुस का, फिर आता है रियलमी का, और फिर आता है ऑनर का, और फिर आता है शाओमी का। लेकिन मैं आपको सबसे पॉपुलर फ़ोन जो जैसा मैंने अभी आपको बताया और सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी फ़ोन ये रहा है, क्योंकि इस शाओमी की कंपनी ने भी ये माना था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर उसका फ़ोन बिका है तो वो रेडमी नोट 5 प्रो है, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, कंपनी ने ये फ़ोन इतना बिका कि सभी कंपनियों के इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इसकी सेल बहुत ही ताबड़तोड़ सेल हुई है। रेडमी नोट 5 प्रो अगर आप भी ये यूज़ करते हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। आपने ख़रीद तो लिया है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स भी हम जानने के लिए बेहद ही इच्छुक हैं कि आखिर ये इस फ़ोन का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, आपको ये फ़ोन कितना पसंद आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट्स पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और कंपनी तक भी पहुंचेंगे, और उन्हें पता चलेगा कि आपको इस फ़ोन से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या आप इससे सेटिस्फाइज हैं, क्या आप इससे गुड एक्सपीरियंस लेते हैं, क्या आप इससे बैड एक्सपीरियंस तो नहीं लेते, कोई चीज़ ऐसी खराबी तो नहीं जो आपको परेशान करती हो। तो मैंने सभी लिस्ट आपके सामने रखी, टॉप मोबाइल्स की लिस्ट आपके सामने रखी, जो टॉप ब्रांड्स रहे इस साल के, कौन से हाई रेंज के रहे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से फ़ोन सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, जिसमें नाम आया Xiaomi Redmi Note 5 Pro का, जो सबसे ज़्यादा फ़ोन पॉपुलर भी रहे। उसके बाद Redmi 5A का आया, उसके बाद Honor 9 Lite का आया। ये सभी फ़ोन पॉपुलर रहे, जो अपनी फीचर की वजह से लोगों का इन्होंने दिल जीता। उसके बाद मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचे गए, यानी कि सबसे ज़्यादा Realme 2। अगर आप भी Realme 2 यूज़ करते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसे कितना अच्छा लग रहे हैं, क्योंकि देखने में बहुत ही आकर्षक। और सबसे ज़्यादा अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस फ़ोन के कलर की, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, और आप भी बताइएगा कि आपको किस कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसके फीचर्स, इसके फंक्शन, इसका कैमरा, इसका प्रोसेसर कैसा है और कितना लाजवाब है। उसके बाद Asus ZenFone Max Pro का, जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने खरीदा, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको फ़ोन कितने अच्छे लगे, कितने सही लगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि टोटल फ़ोन कैसे रहे जो 1 मिलियन से ज़्यादा बिके, Asus, Realme, Honor, Xiaomi। अब मैं बात करता हूँ कि आपको मतलब ये फ़ोन देखिए, हर साल फ़ोन लॉन्च होते हैं, और ये फ़ोन और कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो इतने ही सारे फ़ोन होंगे जिनका इस लिस्ट में नाम भी नहीं होगा, क्योंकि साल का आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन का मतलब कि वो सब हिसाब लगाना कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बिकी है, कितनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, कौन सी नहीं बिकी है, किसने ज़्यादा बीट किया है, किसने रिकॉर्ड तोड़ा है, किसने रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, ये सभी चीज़, क्योंकि हमारा चैनल जो टैक का चैनल है, जो आपको बताता रहता है कि आखिर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन रही, सबसे ज़्यादा बिकने वाली रही, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही। और आप हमें बताइएगा कि आखिर आपको ये फ़ोन जो है, अगर आप आईफोन यूज़ करते हो, अगर आप Xiaomi के फ़ोन यूज़ करते हो, अगर आप रियलमी यूज़ करते हो, अगर आप आसुस के, आप ऑनर के, आप किसी का भी यूज़ करते हो, आप सैमसंग के यूज़ करते हो, तो कौन से फ़ोन आपको सबसे बेस्ट लगे। जी हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इनका एक्सपीरियंस कैसा है। जी हाँ, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर, तभी हम अपने आने वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हमें कैसे कमेंट मिले और आप लोग इन फ़ोनों को ख़रीद के कितने खुश हैं और कितने नहीं हैं। जी हाँ, क्योंकि फ़ोन लाजवाब हैं और आपके कमेंट भी हम उम्मीद करते हैं लाजवाब होंगे। तो आज के लिए मैं अलविदा कहता हूँ, और आने वाले प्रोग्राम में आपके लिए ऐसे ही कुछ खास लेकर आऊँगा और बताऊँगा आपको कि आखिर नए साल पर कौन कौन से फ़ोन आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अब 2019 आने वाला है, और उस साल आपको कौन कौन से फ़ोन मिलने वाले हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट ये आपको चुनना होगा। तो दीजिए इजाज़त, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँगा नई अपडेट के साथ। नमस्कार।